ब्राह्मण समाज परशुराम सेना द्वारा सनातन धर्म संस्कृति के पुनरुद्धारक आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती मन कामेश्वर मंदिर ब्रजनगर कॉलोनी परिसर में हर्षोल्लास से मनाई गई। सर्वप्रथम समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा दीप प्रज्वलन कर मन कामेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। शकुंतला जेपी शर्मा की अध्यक्षता में और मदन मोहन उपाध्याय के मुख्य आतिथ्य में समाज सेवी वे जानकी देवी और ललित बिड़वाले के विशेष आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य के विचारों को आत्मसात कर वेद शास्त्रों के अध्ययन पर बल देने की बात कही गई। पार्षद प्रवीण जोशी ओम पंचोली अनिल पाठक द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया। परशुराम सेना पदाधिकारी कृष्णा पाठक और प्रीति उपाध्याय द्वारा मामा मंडल का गठन और नई नियुक्तियाँ की गयी। उन्होंने अपने चारों वेद उपनिषद सभी की शिक्षा दीक्षा ले ली और 8 वर्ष के बाद उन्होंने स्वयं ही ग्रंथों की रचना करना चालू कर दी। उस समय ऐसे ग्रंथ की रचना करना बहुत आवश्यकता थी कि जो ग्रंथ आम जन लोगों को समझ में आ सके, तो उन्होंने भज गोविंदम इस तरह के बहुत जो आज भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, तो उनकी रचना की और आम लोगों के बीच में यह बात को रखा कि सनातन धर्म ही जो है में कुरुतियाँ नहीं है, ये कुरुतियाँ समय के अनुसार आई हुई हैं। उसके बाद उन्होंने धर्म की रचना के बाद पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत का भ्रमण किया और शायद ही ऐसा कोई जगह वहाँ पे बची हो जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ना आए हों। पूरे भारत का भ्रमण करके वहाँ पर जो अन्य धर्म के लोग थे, अन्य धर्म के जो लोग थे उनसे उन्होंने शास्त्रार्थ किया, उनसे उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उनको वैदिक धर्म की महत्ता बताई और उपनिषदों की महत्ता बताई और इस तरह से हमारा चारों मठों की उन्होंने स्थापना की और पुनः हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है वो आज जो हम एक रूप में सभी जातियों को साथ लेके हम चल रहे हैं, है ना। उन्होंने सभी जातियों को साथ लेके चलने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, है ना, क्योंकि शरीर सबका यहाँ पे है और आत्मा सबकी एक है और आत्मा ब्रह्म से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सभी जाति पातियों को साथ लेके हिंदू सनातन धर्म को एक रूप देने में बहुत महत्ता स्थापित करी। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।